अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन लगा देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना राहुल ने शुरुआत की, आज पीएम मोदी द एंड करेंगे। कल राहुल गांधी की इनिंग थी, आज पीएम मोदी की बारी। लोकसभा में आज क्या होगा, प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इसकी वानगी पीएम मोदी ने कल ही दिखा दी थी। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की पसंदीदा पिच पर बैटिंग को न्योता दे दिया है। इस पिच पर कांग्रेस ने हमेशा पीएम मोदी से मात खाई, लेकिन गलती करना और इससे सबक लेना ना कांग्रेस ने सीखा और ना राहुल गांधी। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। राहुल गांधी ने एक ऐसे हथियार से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जो बीजेपी का हमेशा से सियासी ब्रह्मास्त्र रहा है। राहुल गांधी ने बैठे बैठे बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिसकी गूंज पूरे 5 साल तक सुनाई देगी। कांग्रेस को भी इसका एहसास हो चुका है कि राहुल ने उतावलेपन में सेल्फ गोल कर दिया है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए समूचा विपक्ष मैदान में उतरा, सफाइयों का दौर शुरू हुआ। प्रियंका गांधी से लेकर अवधेश प्रसाद तक ये बताने में लग गए कि राहुल गांधी ने जो कहा वो हिंदू के लिए नहीं था, उनका मतलब बीजेपी से था। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने। उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। तो हिंदुओं के बारे में नहीं कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के बारे में, आरएसएस की मानसिकता और विचारधारा के बारे में। उन्होंने ये भी कहा ना कि हिंसा 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 फैलाते हैं हिंदू, ये बात तो सबसे पहले यही बयान आया। उनका स्टेटमेंट इंटायर हिंदू के लिए नहीं था, उनका था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए। राहुल ने क्या कहा, हिंदुओं पर बोला, बीजेपी को बोला, आरएसएस को बोला या फिर पीएम मोदी को बोला? अब ये मुद्दा बहस से आगे निकल चुका है, लेकिन ये बात साफ हो चुकी है, बीजेपी अब हिंदुओं पर राहुल के इस हिंसात्मक बयान पर वॉक ओवर नहीं देने वाली है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने ये साफ संकेत दिया है, राहुल गांधी को करारा जवाब देगी। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच है। राहुल गांधी जब कल संसद में अपने विपक्ष के नेता वाली इनिंग खेल रहे थे, ताबड़तोड़ बाउंसर मार रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी हर एक बात को गंभीरता से ले रहे थे। कल राहुल गांधी की इनिंग थी, आज पीएम मोदी की बारी। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी को पिछले 10 साल से बतौर प्रधानमंत्री देश की जनता देख रही है। अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब किस अंदाज में पीएम मोदी देते हैं, देश की जनता इससे भी अच्छी तरह से वाकिफ है। ये तो तय है कि राहुल गांधी के हिंदू हिंसा बयान का आज बराबर हिसाब होगा। पीएम मोदी पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे। न्यूज़ नेशन। और आगे बढ़ते बाद एक